नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा चैनल में। आज की वीडियो है कलांचु फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो इसको कैसे साल भर केयर करें तो मल्टीपल ब्रांचेस एंड हैवी फ्लावरिंग हो सके। तो वही छोटा छोटा टिप्स ये वीडियो के द्वारा हम शेयर करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल होएगा तो लाइक कमेंट करके बताइएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पिछले साल का फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये हम ऐसी इतना अच्छा केयर करते हैं। तो देखिए ना, एक ही प्लांट में ना बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हुआ है फ्रेंड्स। और ये लगता है कि आसमां का तारे ना रेड कलर में जमी पे उतर आई है। तो आप भी ऐसी लगा के ना वो फ्री में ये एक से कई प्लांट बना के ना गार्डन में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। दो वेराइटी में आता है, हाइब्रिड और देसी, और कई कलर में आते हैं। हाइब्रिड वाला थोड़ा बड़ा साइज का होता है और देसी वाला छोटा छोटा फूल रहता है, लेकिन इसमें भी ना बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम ना 6-7 पार्ट में ना इस साल लगा लिए हैं। वो भी जुलाई से हम ना वो जो मदर प्लांट रहता है उसी को हम कटिंग करके लगाए हैं, क्योंकि मदर प्लांट में लगाएंगे तो उतना फ्लावरिंग नहीं होता है। उसका स्टिक ना बड़ा बड़ा डंठल ना और कई ब्रांचेस हो जा रहता है, मोटा मोटा ब्रांचेस रहता है तो फ्लावरिंग नहीं हो पाता। तो हम ना इसको अलग से जब जुलाई अगस्त में कटिंग करके लगा लिए हैं। तो ये अच्छा से अभी जो ये इसमें हम फर्टिलाइजर अगर डालते हैं तो पत्तियाँ इतना हो गई है कि फर्टिलाइजर अगर हम जो डालेंगे तो प्लांट के पत्तियों में नहीं डालना चाहिए, जल जाती है, ख़राब हो जाती है, नुकसान करता है। तो जब हम मिट्टी में डालेंगे तो इसको ना अभी हटा देना पड़ता है। जब पत्तियां को नीचे नीचे का घास अगर जो भी लगा रहता है, मिट्टी भी खोदेंगे तो ऑक्सीजन उनको वो पहुंचने में मदद करता है, मिट्टी भी वो वेल डन होता है फ्रेंड्स। और इसका प्लांट की बात करें तो कटिंग से या एक बार आप नर्सरी से लाओ तो कटिंग से आसानी से ग्रो हो सकता है फ्रेंड्स। इसका लीफ से कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। सेल मीडिया की बात करें तो हम इसमें ना सैंडी सेल, गार्डन सेल और किचन वेस्ट का अधिक यूज़ करते हैं। थोड़ा मोड़ा गोबर कंपोस्ट और डाल के ना जब छोटा प्लांट रहता है उसी टाइम रिपोर्टिंग कर देते हैं। नीचे में पत्तियों का जो हम गार्डन से सुखा रहते हैं और उसको नीचे में डाल के ना यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। और सेल मीडिया की बात करें और इसको सनलाइट की बात करें तो फुल सनलाइट में रखना पड़ता है। और रेनी सीजन के बाद हम इसमें ना रेनी सीजन में तो कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये रेनी सीजन के बाद थोड़ा सा ना ये वो प्लांट हेल्दी नहीं रहता है। बाद में हम इसमें सितंबर अक्टूबर में अच्छा से डीएपी के कुछ दाने, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल के ना अच्छा से गुड़ाई कर देंगे। महीना महीना में तो केमिकल वाला यूज़ करते हैं और होम मेड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम अपने लिए दो टाइम नाश्ता बनाते हैं, लेकिन प्लांट बेचारे के लिए हम ना भी हफ्ता में कभी कभी तो 5 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा बना ही रहता है, उसको डालते रहते हैं, खाली पानी नहीं डालते, होममेड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और केमिकल में देखिए ये बनाना छिलका का ना और जो पाउडर बनाए थे उसमें भी डाल दिए हैं, इसमें कुछ सीवेड और पोटास और फंगीसाइड डाल के ना अच्छा से अभी गुड़ाई कर देंगे। फिर 2-3 महीना तक हमारे साथ रहेंगे फ्रेंड्स। इसका बाद में फ्लावर बस स्पेंड होता है, बंचेस तो रहती है इसका तो ख़राब लगता है। तो इसको ना अगले साल के लिए सेव करके रख लेंगे। और फर्टिलाइज़र की बात हो गया है, लिक्विड और केमिकल में मार्केट से जो महीना महीना दिन में अभी 2-3 महीना इनको वो डीएपी और एनपीके 19-19 भी हम ना डालते हैं, उसमें फ्लावरिंग अधिक होता है उसको भी डाल देते हैं। एक सीवीट का आता है वो लिक्विड फॉर्म में, उसको भी स्प्रे कर देते हैं तो अच्छा रहता है, प्लांट हेल्दी रहता है। सनलाइट, फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है इसको। और बाद में जब फ्लावरिंग होता है उसके बाद ना फ्लावरिंग हो जाएगा तो सेमी शेड में रख देंगे, इसका फ्लावर जल्दी से मुरझा जाते हैं। ये देखिएगा सबको ना ये पत्तियों को हटा दिए हैं, इसमें पानी डालते नहीं, फर्टिलाइज़र डालते नहीं बनता लिक्विड अगर, और वो सरसों कली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना के इसमें यूज़ करते हैं, उसको भी अपना डाल के देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है। एक से ना कई प्लांट, इस बार 7 प्लांट बना लिए हैं। पिछले बार 3 था, पिछले बार तो सूख भी गया था, लेकिन इसका ना मदर प्लांट में 2 ही डंडी था तो उसको हम ना वो सेंडी सेल में लगा के कई प्लांट बना लिए हैं। कहीं बाहर जाओ तो सूख जा रहता है। हाइब्रिड वेराइटी का तो मेरा ख़राब ही हो चुका, तो नर्सरी से मैं ज़्यादा ना वो उतना खरीदती नहीं हूँ सीजनल प्लांट को, वो सेव कर करके ना कई प्लांट बना लेती हूँ। भले ही एक ही भी प्लांट को ना कई बना लो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। और होममेड का अच्छा यूज़ करना चाहिए, सब लिक्विड फर्टिलाइजर है तो ये भी अच्छा रहता है फ्रेंड्स। ये अच्छा से ना सबको निकाल देंगे पत्तियाँ को,
बाद में जब पत्तियाँ ना, वो जितना हम फर्टिलाइजर करते हैं तब ये इसका पत्तियाँ ले लेती है, इसका ब्रांचेस में ना जो फ्लावरिंग होता है उसमें कम पहुँचता है, तो एकदम ज़्यादा ही पत्तियाँ हो गई है। हम एक लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, वो वाला सीवीड वाला, उसी में ना NPK जो 19-19 आता है वो प्लांट का ग्रोथ बस करता है, और 0-52-34 आता है, 0-0-50 वो फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा काम आता है फ्रेंड। नाइट्रोजन वाला जो रहता है उसको ना हम वो उतना नहीं डालना चाहिए जब फ्लावरिंग के टाइम आए ना, तो अब इसको ना बस लिक्विड फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा और ये केमिकल वाला डालना नहीं पड़ेगा। तो आप भी इसी बना के देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका पत्ती सभी जो हम कटिंग किए हैं उसको भी लगा देंगे तो हमारे पास कई प्लांट हो जाता है। ये ना एक से हम ना वो एक छोटा सा पट लाए थे 2 साल पहले, तो हम कितना प्लांट बना के दूसरे को भी हम दे देते हैं। एलिप्स का भी ना वो पत्ती लगा दिए रहेंगे तो अगले साल भी काम आ जाएगा फ्रेंड। ये सभी को ना अच्छा से गुड़ाई करके नीचे का सब क्लीन कर दिए हैं, देखिए अच्छा से जितना हो, और चारों तरफ से इसका पत्तियाँ भी लगा लिए हैं। इसका पत्तियाँ भी ग्रो करने का तरीका है कि हम ना जो ये जैसे ये वाला नहीं लगेगा, एकदम पत्ती जो है जो स्टिक रहता है वैसी वाला प्लांट लगेगा। देखिए इसमें 2 इंच का स्टिक है तो उतना दबा देंगे तो इसमें जड़ निकल आ जाएगा फ्रेंड्स, जड़ से आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो आप भी लगा के देखिएगा फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा प्लांट बना के ना गार्डन को खूबसूरतों को बढ़ा सकता है। जो गार्डनिंग में बिगिनर है उन लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आप भी ना जरूर लगा के देखिएगा कलांचू फ्लावरिंग प्लांट। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।